या पीछे नहीं मार पा रहे हो, आजकल माँ बाप नहीं मार पा रहे बच्चों को। क्या किस बात को लेकर मारपीट की गई आपके साथ? वो परसों के रोज ऐसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उन लोगों ने ऐसा बोल दिया झूठा झूठा के, इनने ऐसा बोला तुम्हारे मुंह में लेटरिन करे क्या, बल्कि हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला, फिर भी आकर और मैं रसीद दिखाने के लिए लेने गई थी, मैडम ने आके मुझे चाटा मार दिया। कौन पे? कौन मैडम ने मारा? तहसीलदार मैडम ने। कहाँ पे मारा आपको? लपड़ा उन्होंने? नहीं, कहाँ पे? घर में घुस के मारा। घर में काहे के लिए गई थी आप? रसीद लेने के लिए। वो लोग अंदर आ गए सारे। अच्छा, क्या बोलने लगे आपसे? सुबह पूछने लग गए। हमने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, इतने में हमने मार दिया उनने। तो आपने बोला नहीं हमारे घर में लेटिंग नहीं है, हमने रसीद कटवा रखी है? रसीद दिखाने के लिए गए थे, उनने नहीं सुनी बिल्कुल भी। क्या बोलने लगी? कुछ नहीं बोला, उनने चाटा मार दिया और फिर बोले तुम में तमीज नहीं है, ऐसा वैसा, बस चली गई थी। तो आप रो क्यों रही हो फिर? इसके लिए सारी इसलिए। किसने मारा? मैडम ने, तहसीलदार मैडम। तहसीलदार मैडम ने क्यों मारा? लेटरिंग नहीं जाने दे रहे बड़ला। अच्छा, अपने घर में लेटरिंग नहीं है ना, तो अपन ने नगर पालिका में रसीद कटवा रखी है। हाँ, कटवा रखी। कब कटवाई है? कल ही कटवाई। और मैं गई थी फावड़ा ले गई, पापा गई थी पापा से। हाँ। तो आज मुहूर्त करती, मैं आज लगाती काम। तो आपकी बच्ची ने बोला नहीं कि हमारे घर में लेटरिंग नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? अभी हमने रसीद कटवा ली नगर पालिका से। बोल ली सी नहीं, फिर बस कर रहा है। एक दिन बोल दी बच्चा को उठा दिया नहीं तो के मन की बच्चा को कर ले देना, स्कूल जाएगा ये जाएगा, फिर इनकी सवार नहीं होती, बड़बड़ा इनको रोक दीजिए। अनसंट बोले उस दिन भी भैया, रोहित भैया भी अनसंट बोले। अच्छा अच्छा, वो मैडम है वो भी अनसंट बोली जो नगर पालिका में बैठी थी। थाने में भी आवेदन दिया है आपके खिलाफ, तो मुझे मारा ठोका है, जबकि मेरे तो कोई मैडम से तो बात ही नहीं की थी। तहसीलदार मैडम से ऐसा सरासर उसका गलत है। मैंने फिर उसे इतना बोला है कि ये आपकी माँ की उम्र की है, इनसे क्षमा मांगो। इस तरह अपने अपशब्द इस्तेमाल, और ये नहीं खाली उसने बोला, पूरा पड़ोस पड़ोस ने बोला कि हाँ मैडम इस लड़की ने इस महिला से ऐसा ही बोला था कि तो आप मुझे करेंगे लैटिन क्या, ये कोई सुबह है, कितनी गंदी बात है। इस बात में मुझे गुस्सा आया था और मार पिटाई तो कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई, सरासर झूठ बोल रही। हाँ, उन्होंने थानों में आवेदन दिया है, उन्होंने कहा कि मेरे जो लपाड़ा मारा गाल में, उस कारण से मेरे जिस गाल में लपाड़ा मारा उस कारण से मुझे सुना नहीं रहा है और मेरी पूरी दाढ़ दुख रही है। आप तो मेडिकल करवाइए, इसकी विधिवत जो मेडिकल जांच करवाइए, जो भी हो सकता है करिए।